इनामा कुशल कुमार ये मारुति सुजुकी सिलेरियो का ZXI वेरिएंट। तो मैंने इस कार के सभी वेरिएंट आपको दिखाए थे, इसका बेस मॉडल चाहे टॉप मॉडल हो। अगर आप सिलेरियो कोई ऐसा वेरिएंट देख रहे हैं जिसमें आपको सभी बेसिक फीचर्स मिल जाएं, आफ्टर मार्केट बदल कराने की भी जरूरत ना पड़े, जैसे मैंने आपको इस कार का BXI वेरिएंट दिखाया था जो कि सेकंड बेस मॉडल था, उसमें आपको बेसिक फीचर्स नहीं मिलते हैं, जैसे आपको ना उसमें कोई एंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा और ना ही रिमोट सेंटर लॉकिंग जैसे फीचर्स। तो फिर आपकी मजबूरी बन जाता है ZXI प्लस वेरिएंट के साथ जाना। अगर आप बेसिक फीचर्स अपनी कार में चाहते हैं तो उसी के साथ आपको ब्लैक कलर में भी मिल जाएगी ये कार ZXI वेरिएंट में, जिस वजह से देखने में काफी बढ़िया लगती है। रोड प्रेजेंस भी गजब आने वाली है ब्लैक कलर में, और अच्छी बात ये रहने वाली है कि आपको ब्लैक कलर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने, जैसे टाटा में जो डार्क एडिशन आते हैं उनके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने होते हैं। वो इस कार का जो टॉप सेलिंग वेरिएंट है वो उस कार का ZXI वेरिएंट ही है। तो भी जितने जैसे मैंने बताया दिया, जिन बंदों को बेसिक फीचर्स की नीड होती है वो ZXI वेरिएंट के साथ ही जाते हैं। वो प्राइस भी काफी अच्छा रहने वाला है इस कार के ZXI वेरिएंट का, 6,12,000 रुपीज के एक शोरूम प्राइस पर आपको वाली कार मिल जाती है। 29,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस रहेगा BXI वेरिएंट और ZXI वेरिएंट में। फिर फीचर्स में क्या क्या डिफरेंस रहने वाला वो सब कुछ वीडियो में देखने वाले हैं। उस तरह की मिल जाएगी आपको इस कार की फ्रंट प्रोफाइल, और ये रही हेडलाइट इस कार की, हैलोजन बल्ब रहने वाला है और इंडिकेटर में भी आपको बल्ब दिया जाएगा, और ये रही ग्रिल, क्रोम स्ट्रिप दी जाएंगी आपको यहाँ पर, सुजुकी का हो गया लोगो। फोग लैंप्स आपको इस वाले वेरिएंट में देखने के नहीं मिलते हैं। फिर ओवरऑल कुछ तरह की लगती है फ्रंट प्रोफाइल इस कार की, और ये रही साइड प्रोफाइल। इस वाले वेरिएंट में आपको व्हील कवर्स मिल जाते हैं, 14 इंच के स्टील व्हील्स दिए जाएंगे आपको इस कार में, 165/70 और 14 इंच की प्रोफाइल रहने वाली है। और बॉडी कलर का हो गया इस कार का ORBM, इंडिकेटर भी आपको इस कार के ORBM पर दिया जाएगा। ABC तीनों पिलर आपको बॉडी कलर के दिए जाएंगे, और डोर हैंडल हो गया बॉडी कलर का। फिर उस तरह की लगती है इस कार की साइड प्रोफाइल, और ये रही कंबाइंड लुक बैक और साइड प्रोफाइल की। ऊपर की साइड आपको इंडिकेटर स्पॉइलर मिल जाएगा, वॉशर हो गया, डिफोगर, वाइपर, हाई माउंट स्टॉप लैंप जैसे फीचर्स आपको उसमें मिल जाते हैं। और ये रही इसकी टेल लाइट जिसमें आपको हैलोजन बल्ब दिया जाता है। सुजुकी का हो गया लोगो, सिलेरियो की बेजिंग, यहाँ पर हो गए पार्किंग सेंसर्स, रिफ्लेक्टर्स। तो ये तो बातें इस कार के एक्सटीरियर के बारे में। जैसे आपने देखो कितने फीचर्स मिल जाते हैं आपको एक्सटीरियर में, जैसे रियर वाइपर, डिफोगर, बोस्टर जैसे फीचर्स दिए जाएंगे जो कि आपको इसके BXI वेरिएंट में ऑफर नहीं करे जाते हैं। जो मेन डिफरेंस रहने वाला है फीचर्स में वो इसके इंटीरियर में आपको दिखाई देगा। इंटीरियर में काफी बढ़िया फीचर्स दिए गए हैं। तो इस कार में आपको 1000cc का इंजन मिल जाएगा जो कि प्रोड्यूस करता है 65 BHP की पावर और 89 Nm का टॉर्क। उस तरह का मिल जाएगा आपको इंटीरियर इस कार का, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ पूरा ब्लैक कलर में रहने वाला है इंटीरियर इस कार का। और ये रहा स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे सिर्फ आपको यहाँ पर। सुजुकी का हो गया लोगो, SRS एयरबैग की होगी बेजिंग, फ्रंट टू एयरबैग्स रहने वाले हैं इस कार में। और ये रहा इस कार का सनवाइजर, बैंडी मिरर आपको यहाँ पर नहीं दिया जाता, सिर्फ टिकट होल्डर मिल जाएगा। और ये रहा IRBM, मैनुअली डिनेट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको यहाँ पर। कैबिन लैंप हो गया यहाँ पर जो कि हैलोजन में रहेगा, फिर आपको कोई यहाँ पर कैबिन लैंप नहीं मिलता है। और ये रहा क्वार्टर ड्राइवर साइड का सनवाइजर, बैंडी मिरर हो गया, ग्रैब हैंडल उस तरह का रहता है इस कार का। क्वार्टर ड्राइवर साइड डोर, दो अपना सिल्वर कलर का, वाटर बॉटल हो गया, स्पेस, डॉक्यूमेंट स्पेस और स्पीकर। और ये रहा सेंटर कंसोल, 2D का दिया जाएगा उसमें एंफोटेनमेंट सिस्टम, कुछ इस तरह के कंट्रोल्स रहने वाले हैं इसमें, हजार्ड लाइट का हो गया यहाँ पर बटन, पावर विंडो कंट्रोल्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे लॉक अनलॉक के लिए, और सिल्वर फिनिश हो गया यहाँ पर। मैनुअल AC मिल जाएगी आपको यहाँ पर, कुछ इस तरह के कंट्रोल्स दिए गए हैं। 12 वोल्ट का हो गया यहाँ पर पावर सॉकेट, थोड़ा स्पेस, दो कप होल्डर्स, 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में रहेगी ये कार, कुछ इस तरह का गियर नॉब दिया जाता है आपको यहाँ पर, सिल्वर फिनिश हो गया यहाँ पर, हैंड ब्रेक, और फ्रंट में दिए जाएंगे आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट, कुछ तरह की फैब्रिक सीट्स रहने वाली हैं इस कार में। तो ये तो बात है इस कार के फ्रंट सीट पर बैठकर जो भी फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाए तो मैंने आपको दिखाई दिए हैं। अब चलिए फिर लेके चलता हूँ आपको इस कार की रेयर सीट पर, वहाँ पर आपको कितना स्पेस दिया जाएगा। ड्राइवर सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कितना लेग रूम है वहाँ पर। मेरी हाइट 6 फीट है। फ्रंट में जैसा मैंने आपको दिखाई दिया था एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते, फिक्स्ड हेडरेस्ट मिल जाएंगे, और बैक में भी आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट दिए जाएंगे। और फैब्रिक सीट्स रहने वाली हैं, कुछ तरह का डिजाइन है, और लेग रूम भी काफी बढ़िया रहने वाला है इस कार में, ऐसे आप देख सकते हैं। और रियर सीट पर बैठे कुछ तरह का लगता है डैशबोर्ड इस कार का, और कुछ इतने साइज का रहने वाला है यहाँ पर बम्प। वाटर बोर्ड के लिए स्पेस फिर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, इसके डोर में ही दिया जाएगा आपको। वाटर बोर्ड के लिए स्पेस हो गया, डॉक्यूमेंट के लिए स्पेस हो गया, और हेड रूम हो गया, लेग रूम हो गया, काफी बढ़िया रहेगा इस कार में। तो भाई ओवरऑल कुछ तरह का था इस कार का इंटीरियर, जो भी कुछ आपको इस कार का इंटीरियर मिल जाता है मैंने आपको दिखाई दिया है। जैसे आपने देखो उस तरह का था इस कार का बुक, जो फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर एक्सटीरियर मिल जाता है मैंने आपको सभी दिखा दिए हैं। 20,000 रुपीज का से प्राइस डिफरेंस है BXI और ZXI वेरिएंट में। उसमें आपको ऐसे रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल जाएगी, एडजस्टेबल स्टीयरिंग, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, म्यूजिक सिस्टम, रियर डिफोगर, वाइपर, बोशर जैसे फीचर्स दिए जाएंगे। तो सिर्फ 20,000 रुपीज
के प्राइस में आपको इतने बढ़िया फीचर्स दिए गए हैं। अगर आपके वाले फीचर्स बढ़ते लगते हैं तो आप ZXi वेरिएंट के साथ जा सकते हैं। अगर आपको और फीचर्स चाहिए अपनी कार में, जैसे टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ फोग लैंप्स हो गए, पावर फोल्डिंग मिरर्स, कीलेस एंट्री, एलॉय व्हील्स जैसे फीचर चाहिए, तो आप ZXi प्लस वेरिएंट के साथ जा सकते हैं। उस वेरिएंट के लिए आपको 60,000 रुपीज एक्स्ट्रा देने होंगे। अगर आपको इस कार के और वेरिएंट की वीडियो देखनी है, फिर आपको किसी और कार का बैकग्राउंड देखना है, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।